कोई भी सरकारी विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार नहीं है कि शहर के सभी स्विमिंग पूलों के लिए मानक बनाए जाए तैराकों को पुल प्रबंधन की दया पर छोड़ा जा रहा है। शहर में लगभग 50-60% स्विमिंग पूल बिना लाइसेंस के हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पास पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं है और प्रशिक्षित प्रशिक्षण कार्यरत नहीं है। हाल ही में नागपुर जिले में डूबने की कई घटनाएं हुई है। इस संबंध में शहरी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्रीकांत शिवनकर ने कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त से नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे स्विमिंग पूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पिछले महीने जुलाई में प्राइड होटल के स्विमिंग पूल में डूबने से एक 50 वर्षीय व्यवसायी की मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों का आरोप है कि होटल प्रबंधन की लापरवाही से मौत हुई है और परिजनों ने प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई कर ब्रिज बंद करने की मांग की है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पिछले साल भारत में आकस्मिक मौतों में से 9.3% मौतें यानी 36,362 मौतें डूबने से हुई। नागपुर जैसे मेट्रो शहरों में होटल, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, शैक्षणिक संस्थानों सहित कई स्विमिंग पूल है। हालांकि उनमें से कई बुनियादी सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं करते हैं, जिससे दुर्घटनावश डूबने का खतरा होता है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।